पुनिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। तुलसी संगत संत की कटे तो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग को फकीर, अरे भाई कोई सिंहासन चढ़ चले। ओ माने अब के बचा ले मारी माया, रे बताओ रो आयो दस दरवाजा इन मंदिर रे मां इको कम नहीं पड़ा। और लुप्ती छुप्ती में फिरू पर लुप्ती ने छोड़े बेरी ना। कवि ने एक 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 बालिका का यानी ससुराल जाने वाली पहली बार सासरे जाने वाली या सावन महीने में पहली बार जाने वाली उस बेटी को उदाहरण देके दुनिया में आत्मा को समझाया है कि जिस प्रकार से पहली पहली सावन में आई हुई बेटी जब उसको उसके उसके पति लेने के लिए आते हैं तो वो बेटी जो है पूरा उपाय करती है कि अपनी माँ को अपनी भाभी को अपने काका को अपने भाई को सबको एक बार कोशिश करती है कि आप जमाईसा ने कह दो कि सावन महीने में थोड़ा दिन और रहने रहो, मन है अगली बार मैं आपके साथ में जाऊंगी लेकिन इस बार छोड़ दो।
उसी प्रकार दुनिया से जाने वाले व्यक्ति के लिए उसके परिजन भी और वो स्वयं भी ये कोशिश करता है कि भगवान इस बार बचा लो, अगली बार आपकी भक्ति करूंगा। आठ कोटड़ी दस दरवाजा इन मंदिर दे मार, और लुकती छुपती में फिरो, पर लुकती ने छोड़े बेड़ी ना, वो बटाओ आयो लेवटे। तो यमराज को बुलावो जो है, वो जिसका आ गया है उसको जाना है। हाथ जोड़ कन्या कहे रे सुन मागड़ मनवा, हाथ जोड़ कन्या कहे रे सुन मागड़ मनवा, हाथ जोड़ कन्या कहे रे सुन मागड़ मनवा। अब के बटौली पाछू कर दे, सुन मायड़ मारी बात। और हे मां, अब के बटाऊ ने पाछो कर दे। इस प्रकार से बेटी जो है वो अपनी मां को कहती कि मां कुछ भी कर, जमाई आपने पावना ने कह दो कि थोड़े दिन दब जाओ, एक बार भेज दो, मैं कुछ समय रहना चाहती हूं, कुछ वक्त अपने पीहर में रहना चाहती हूं। बजाता हूं। हाथ जोड़ कन्या कहे सुन मायड़ मारी बात, और अब के बटाऊ ने पाछो कर दे, फिर जाऊं ली उनरे साथ, बटाऊ आयो लेवन ने। कबीर लिखते हैं कि ऐसा करने से कोई छोड़ता नहीं है, चिपला खाने कोई छोड़े नहीं, जानो तो तय। तो सावन रासत रे गया रे आई तीज पर आई तीज प्रभा। 15 दिन सावन का, राखड़ी पूर्णिमा, राखड़ी पूर्णिमा के बाद में तीज,
सावड़रा संतरे दया आई तीज प्रभा और रमन खेलन दी मन में रह गई, रमन रमन खेलन दी मन में रह गई, छोड़ियो सहेलिया वालो साथ, बताओ आयो बोलो बताओ आयो कुटुम कभी कुटुम कबीलो पीलो